हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज भवानी सिंह कैलावत एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बीएस कैलावत। देखिए बच्चों, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और आपको पता है हम क्लास 12th की फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हम अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं और अभी तक मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर 9 लेक्चर कर चुका हूं और आज का जो लेक्चर नंबर 10 है उसपे हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्पीयर के कारण हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट किया था आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल एंड इनसाइड द शेल। इन तीनों केस को हमने डिटेल में स्टडी किया था, उनको डिराइव किया था और उन V और R में ग्राफ प्लॉट किया था। अब देखिए आज जो हमारा केस है वो हम एक कंडक्टिंग स्पीयर नहीं लेके एक नॉन कंडक्टिंग स्पीयर लेने वाले हैं। अब देखो कंडक्टिंग स्पीयर और नॉन कंडक्टिंग स्पीयर में क्या डिफरेंस होता है। जब आप किसी कंडक्टिंग स्पीयर को चार्ज देते हो तो वो चार्ज रिपेल होके उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम किसी नॉन कंडक्टिंग स्पीयर को जब आप चार्ज दोगे तो चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर और उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब देखिए रिपल्शन तो होता है मगर आपको पता है कि इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, इसी वजह से वो चार्ज सरफेस पर नहीं जा पाएंगे। उसके अंदर मतलब सारे चार्ज सरफेस पर नहीं जाएंगे, जितना भी चार्ज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना। जैसे कि कंडक्टिंग स्पीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारा चार्ज उसकी सरफेस पर रहता है। जबकि नॉन कंडक्टिंग वाले केस में चार्ज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब हमको करना क्या है, तो आज की क्लास में हम किसी नॉन कंडक्टिंग आर रेडियस का कोई नॉन कंडक्टिंग स्पीयर लेंगे, उसको हम क्यू चार्ज देंगे और उसके कारण मैं उसके आउटसाइड किसी पॉइंट P1 पर, उसके सरफेस पे किसी पॉइंट P2 पर और उसके अंदर किसी पॉइंट P3 पर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये मेरा आज का एम है, समझ में आ रही बात। अब देखो नॉन कंडक्टिंग वाले केस में अंदर भी चार्ज होगा जबकि कंडक्टर के अंदर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो होता है ना। अभी हम नॉन कंडक्टिंग वाला केस पढ़ रहे हैं तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट दो केस तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बिल्कुल एज इट इज सेम है। वापस अभी मैं बता रहा हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूं, मैं ये आर रेडियस का एक कंडक्टर लेता हूं। क्या लेता हूं, आर रेडियस का एक स्पीयर ले लिया मैंने। इस स्पीयर को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया। हम चाहते क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज देने का मतलब देखो इसको मैं थोड़ा इस तरह से दिखा रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से चार्ज दे दिया है, ठीक है, ये आपने इसमें आप बता दिया, क्लियर है। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, आपने इस ये जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस हो गई आर और ये एक कांस्टेंट होगी, क्लियर है। अब यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका यहां कोई यूज तो नहीं है बट मैं बता देता हूं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट इज वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रो हो जाएगा, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मैं यहां पर तीन पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट इसके आउटसाइड, एक सरफेस पर और एक इनसाइड, इस पॉइंट P1 पर, इस पॉइंट P2 पर और इस पॉइंट P3 पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी रेडियस आर ले रहा हूं, इसको भी रेडियस आर ले रहा हूं, इसको भी रेडियस आर ले रहा हूं, तीनों आर में हम कंपेयर भी कर लेंगे। देखो यहां पर जो ये आर होगी विच इज ग्रेटर देन आर, इस पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए आर इक्वल टू आर और इस वाले पॉइंट के लिए आर लेस देन आर, ठीक है। अब देखिए इस P1 पॉइंट पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सपोज यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूं जो कहां रखा होगा, इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट से कहां तक लेके आऊंगा, P1 तक लेके आऊंगा और जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताएगा, ठीक है।
किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा. क्लियर है? जब आप टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक मूव करोगे, तब आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है. एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, है ना. जब आप चार्ज को लाओगे तो बहुत स्लोली स्लोली चार्ज को लेके आओगे. अगर आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हो तो आपका कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो जाएगा और आपका जो वर्क डन आएगा वो प्रॉपर वर्क डन आपको नहीं मिलेगा. सेकंड बात, जो वर्क डन होता है वो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मतलब वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है और वो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है. जैसे कि हम लेके आएंगे तो मैं वहां पर एक्सटर्नल एजेंट का काम करूंगा. तीसरी बात, आप इस चार्ज को किसी भी पाथ से होके लेके आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. मतलब कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता. तो चाहे आप इस पाथ से लेके आओ चाहे किसी भी पाथ से लेके आओ, वर्क डन सेम रहेगा. ठीक है, अब पी टू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तब क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को कहां से कहां तक लेके आएंगे? इनफाइनाइट से पी टू तक लेके आएंगे. और इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट से पी थ्री तक लेके आएंगे. और ये तीनों वर्डन जो होंगे वो इन पॉइंट के पोटेंशियल हो जाएंगे. क्लियर वाली बात है? ठीक है, तो ये स्मॉल आर जो यहां पर लिखा मैंने, देखो कैपिटल आर को मैंने कॉन्स्टेंट बताया है और स्मॉल आर आपका वेरिएबल है. क्या है? तीनों पॉइंट में मैंने स्मॉल आर बताया है, दैट इज वेरिएबल. फाइन, अब हमारा जो काम है, हम P1, P2 और P3 तीनों पॉइंट पर आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस पर हम इन पॉइंट पर पोटेंशियल चाहते हैं. तो क्या करेंगे, देखो तो पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे. देखो, लेट अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर है ना, द चार्ज गिवन टू स्पीयर इज क्यू एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो. ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द चार्ज स्फीयर. और यहां पर जो स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है. ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग में चार्ज फ्लो हो नहीं सकते, तो इसके बीच में भी चार्ज रहेगा वॉल्यूम के अंदर भी, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है नॉन कंडक्टिंग वाले केस में. ठीक है, अब हमको तीनों केस लेने हैं. पहला केस, ठीक है, बहुत इजी है. देखो केस फर्स्ट क्या है, पहला केस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी वन, ठीक है, लाइज आउटसाइड द स्फीयर, जो कहां पर है, स्फीयर के आउटसाइड है, और स्मॉल आर यहां पर किससे ग्रेटर है, कैपिटल आर से ग्रेटर है. ठीक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया. क्या करना होगा हमें, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी वन. ये जो वर्क डन आएगा ना इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी वन तक लाने में, वही इस पर पोटेंशियल बताएगा, है ना, फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन. ठीक है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है बताओ, V इक्वल टू माइनस ऑफ, कहां से कहां तक लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से P1 तक, E डॉट dr.
कोई समस्या है इसमें क्या? नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां पर क्या चाहिए देखो, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण यहां पर ई कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पता नहीं होगा तो हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। और ई आप कहां से लेके आओगे? गाउस लॉ की एप्लीकेशन से लेके आओगे, ठीक है। तो यहां पर ई जो आउटसाइड है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए गाउस लॉ से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दैट इज ई आउटसाइड जो होता है वो होता है मेरे पास 1/4πε0 q/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो पीछे हम यूनिट वेक्टर लगा देंगे, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ई आउट इन इक्वेशन फर्स्ट ये ई आउट की वैल्यू उठा के यहां रख दो तो क्या हो जाएगा बताओ, P1 की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल r है, तो इनफाइनाइट से स्मॉल r ई आउट की वैल्यू 1/4πε0 q/r² r कैप और डॉट डी आर, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं r कैप और डॉट डी आर को हम क्या लिखते हैं, डी आर लिखते हैं, क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो डी आर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा जाएगा, वी इक्वल टू क्या क्या कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, देखो इस 1/4πε0 को बाहर निकाल लो, क्यू को बाहर निकाल लो, q/4πε0 और v के आगे कितना है, v के आगे ये माइनस है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा है, इनफाइनाइट से स्मॉल r, यह बच गया 1/r² और यह r dr को क्या लिख देंगे हम, dr लिख देंगे। अब देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1, ठीक है। हम बहुत बार बता दिया, ये थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां देखो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा इनफाइनाइट से r, r की पावर -2dr, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4πε0 r की पावर -2+1 इनफाइनाइट से स्मॉल r। अब देखिए क्या बचा है, -q/4πε0 यहां बचा r की पावर -1, यहां बचा है -1 और इनफाइनाइट से r, ये -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा और r की पावर -1 को नीचे ले क्या हो गया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q/4πε0 -, प्लस हो गया इस, ये इसको 1/r और ये हो जाएगा इनफाइनाइट से r। एक बार आप स्मॉल r रखो, एक बार कैपिटल r, एक बार इनफाइनाइट रखो, एक बार अपर लिमिट r की जगह एक बार लोअर लिमिट, तो यहां पर 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो यहां क्या बचा 1/4πε0 q/r, तो ये आपके पास आ गया आउटसाइड वाला केस, क्या आ गया है आउटसाइड वाला केस, आ गया नहीं आ गया। और इसमें बताओ v और r में क्या रिलेशन है, v और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, मतलब जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो बहुत इजी है ये, एज इट इज केस था, कंडक्टिंग वाले केस में भी यही आंसर आया था, बिल्कुल ऐसे ही था, ठीक है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज उसमें भी होता है उसमें भी होता है, बिल्कुल सेम केस है, ठीक है, फिर भी आपका रिवाइज हो गया वापस। अब देखिए जो दूसरा जो केस है, इसको मैं, इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लो या इसको कॉपी कर लो, मैं इसी को वापस नहीं लिखूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करके इसी को वापस लिख दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आउटसाइड में यहां पर स्मॉल r आता है तो ऑन सरफेस पर क्या आ जाएगा, यहां पर कैपिटल r आ जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, ये लिखने के बाद सरफेस पर जब निकालने के लिए पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कि v नो ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r, तो यहां पर स्मॉल r को कैपिटल r से रिप्लेस कर सकते हो। और अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो मैं आपको इसके अंदर एडिट करके बता रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिख लिया है,
अब देखो मैं इसका दूसरा केस बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा केस क्या है देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी टू, कहां पर निकालना है, इस पॉइंट पर पी टू पर, विच इज लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर ये वाला, और यहां पर दोनों आर में क्या रिलेशन होता है, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर, फाइन। तो कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट टू पॉइंट पी टू तक लेके आओगे, सही है ना। अब देखो फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन ये कही आएगा, पर पी वन की जगह क्या आ जाएगा, पी टू आ जाएगा, बिल्कुल सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस यही होता है। अब देखो इक्वेशन रखोगे, मगर यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आना है, क्या आना है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी सिर्फ, और कुछ भी नहीं होगा, लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां पर लिमिट क्या आ जाएगी, कैपिटल आर। आप चाहो दोबारा लिखना तो दोबारा लिख सकते हो, कैपिटल आर, ये आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये चीज जानी रहेगी। आपको पता है कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो यहां पर वी क्या हो जाएगा, वी यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो दो केस मैंने बता दिए, आउटसाइड वाला और सरफेस वाला, दोनों केस मैंने बता दिए, ठीक है, दोनों केस इजी है बिल्कुल। आप एग्जाम में चाहो तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख के लिख सकते हो, ऑन द सरफेस वी नो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और उस वाले आंसर में यहां क्या लिख दोगे, डायरेक्ट कैपिटल आर लिख सकते हो। और किसी को पूरा करना है तो मैंने आपको बता दिया, जहां जहां पर आपको ये ब्लू वाले टिक दिख रहे हैं ये चेंजेस है, पी वन की जगह पी टू लिखना है, आर स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है, जब आप लिमिट रखोगे तब आपको कैपिटल आर वैल्यू रखनी है, क्लियर है क्या। अब देखिए तीसरा केस हमको पढ़ना है, हमें पॉइंट पी थ्री पर पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, इस पी थ्री पर पोटेंशियल निकालना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आई होप सो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है तो आप इस वीडियो को दो बार देखें, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं विथ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस देखें, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे कंसर्न जरूर करें, मैं वापस इसको रिवाइज करवा दूंगा एट द एंड ऑफ चैप्टर, जैसे चैप्टर खत्म होता है, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मैं उस पर वापस वीडियो बना दूंगा। एक बार आप दो बार वीडियो को देखने की कोशिश करो, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं वापस उसको रिपीट भी करवा दूंगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही बार आपको समझना है, दूसरी बार कोई चीज समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको रिविजन ही करना है बार बार, क्लियर है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो फिजिक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। आप फिजिक्स में अगर पूरे नंबर लाने हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो केस थर्ड क्या है, तीसरा जो है केस थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी थ्री, एट पॉइंट पी थ्री है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी थ्री विच लाइज इनसाइड इनसाइड द स्पीयर, पी थ्री पॉइंट कहां है, इसके अंदर है, और रेडियस का क्या कंपेरिजन होगा, तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। देखिए अब देखो मुझे यहां से यहां तक लाने में वर्क डन करना है, तो मैं एक काम करूंगा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर मुझे यहां से यहां तक लाना है, मुझे इस इनफाइनाइट से कहां तक आना है, मुझे इनफाइनाइट से पी तक आना है, तो पहले मैं इनफाइनाइट से कहां तक आऊंगा, इनफाइनाइट से मैं पॉइंट पी टू तक आऊंगा सरफेस तक, और फिर मैं क्या आऊंगा सरफेस से, फिर आऊंगा मैं कैपिटल मतलब पॉइंट पी टू से सरफेस से पॉइंट पी थ्री तक, मतलब यहां तक। तो इस यहां से यहां तक का वर्क डन चाहिए, तो इस वर्क डन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, पहले मैं इनफाइनाइट से सरफेस तक आ जाऊंगा, फिर सरफेस से अंदर आ जाऊंगा, और दोनों वर्क डन को हम ऐड कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज या टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी थ्री, ये वर्क डन आप निकाल लो, आपको इस पी थ्री पॉइंट पर पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन, फ्रॉम पोटेंशियल डेफिनेशन, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है आपको पता याद होगी होगी, अब तो इनफाइनाइट से कहां तक आना है, पी थ्री तक आना है, कहां तक आना है,
इनफाइनाइट से P3 तक आना है, E डॉट dr हो गया और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये काम हमको करना है। अब मैंने बताया हमें पोटेंशियल निकालने के लिए इनफाइनाइट से यहां तक आना, तो पहले मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। इसको ध्यान से देखो, इनफाइनाइट से P3 तक आना है तो पहले मैं क्या आ जाऊंगा, इनफाइनाइट से P2 तक आ जाऊंगा, ठीक है, मतलब सरफेस तक आ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, P2 से कहां तक आ जाऊंगा, P3 तक आ जाऊंगा और ये क्या हो जाएगा, E डॉट dr। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अल्टीमेटली मुझे इनफाइनाइट से P3 तक आना है, तो मैं इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, P3 तक जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं इसकी लिमिट को सही रख देता हूं, रेडियस की फॉर्म है। इनफाइनाइट से P2 तक होती है कैपिटल R, P2 सरफेस पर है, सरफेस पर क्या डिस्टेंस होती है, कैपिटल R। ये हो जाएगा E डॉट dr और ये होता है कैपिटल R से सरफेस से अंदर वाली साइड स्मॉल R, E डॉट dr। अब देखो बच्चों आपको यहां पर ध्यान में रखना है, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन में आपको यहां पर भी E चाहिए और यहां पर भी E चाहिए। अब एक बात देखो, इनफाइनाइट से R तक वाला ये अभी हमने जो केस सेकंड पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेकंड वाला जो केस पढ़ा है इनफाइनाइट से सरफेस तक का, ये तो आपको पता है भाई, इनफाइनाइट से सरफेस तक का वर्क डन तो आपको पता है ना, ये तो हम निकाल चुके हैं सेकंड वाले केस में, तो डायरेक्ट रख देंगे। ये वाला केस मतलब यहां पर देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस वाली है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे वो इनसाइड वाली है, ठीक है ना। तो ये किसी भी ई इनसाइड कितना होता है, किसी भी चार्ज नॉन कंडक्टर जो होता है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज इस पे, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से मिलेगा, तो आप जाओगे गॉस के लॉज के एप्लीकेशन पर, और ई इनसाइड नॉन कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर, ये होता है, समझ में आ रहा है, ये आप आपको देखना है। तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन देखना, गाउस लॉ की एप्लीकेशन वीडियोस में जाके देखना, चैप्टर नंबर सेकंड पांचवी एप्लीकेशन है, वहां आपको ये ई इनसाइड मिल जाएगा। देखो तो इसका तो सोल्यूशन आपको पता है, अभी आपने निकाला है सेकंड केस वाला सोल्यूशन इनफाइनाइट से सरफेस तक आने के लिए, तो ये तो मेरे को पता है, डायरेक्ट लिख लेंगे हम V इक्वल टू, इसका आंसर क्या आया था पता तुम्हें, 1/4πε0Q/R, यही आया था, देखना अभी सेकंड वाला केस, ये आंसर पता है, ये हमें पता नहीं, इस पर आपको करना है काम, कहां से कैपिटल R से स्मॉल R और E इनसाइड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। सर ये कहां से लिख रहे हो, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन जाके देखो, ठीक है, ये अगर याद नहीं होता है तो आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए आगे, ठीक है। और यहां पर ये यूनिट फैक्टर लगा देता हूं मैं आगे, ठीक है, तो ये तो इसके लिए है और ये यूनिट फैक्टर है और ये डॉट ये dr है, ये कितना है, पीछे dr हो गया, और मैंने बहुत बार बता दिया है ये r डॉट dr जो होता है, ठीक है, r कैप डॉट dr, इसको हम dr लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर होता है वो इनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे बिल्कुल इजीली, स्लोली स्लोली इसको सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, माइनस देखो बार निकाल लो, क्यू बार निकाल लो, 4πε0 बार निकाल लो, आर क्यू बार निकाल लो, अंदर क्या बचा है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो यहां बच गया आर, और आर डॉट डी आर को लिखेंगे हम डी आर, क्या लिखेंगे डी आर, ठीक है। अब आपको पता है ये r की पावर 1 है, r की पावर 1 का इंप्लीकेशन 1+1/1+1, तो r की पावर 2/2, ठीक है, तो v इक्वल टू 1/4πε0Q/R प्लस माइनस Q/4πε0 और r क्यूब, तो यहां पर क्या बचेगा बताओ, r स्क्वायर अपॉन 2, वो लिख रखा मैंने, r की पावर 1+1 और इन्फा ये आर से स्मॉल आर, ठीक है। स्टेप ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ये बच गया हमारे पास, ये बच गया मेरे पास 1/4πε0 माइनस में Q/R³ चल रहा है, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, एक बार अपर लिमिट रखा और एक बार लोअर लिमिट रखा, यही होगा।
अब क्या करेंगे, इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई, इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपको इसको ठीक है, चलो देखो ट्राई करते हैं यहां पर, ठीक है। या फिर ऐसा करो आप, ये आप लिख लो पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाकी दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। पहले आप ऐसा करो, यहां तक लिख लो इसको, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं इसी स्टेप से आगे, ठीक है, बाकी उधर स्पेस कम रह रहा, ठीक है। यहां तक लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, मिटा दूं, पक्का समझ में आ गया, ठीक है। पोटेंशियल था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये पृष्ठ तक का था, इसका आंसर हमको पता था, डायरेक्ट लिख लिया, इसमें ई इनसाइड की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी थी, अभी मैंने मिटा दी है उसको, तो ये इतनी होती है, ये लिख लोगे। अब देखो क्या करना है, हम तीसरा वाला केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तीसरा वाला केस देखो, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम, वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। मैं इन दोनों टर्म को पहले अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यह आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर टू आर क्यू। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर और टू आर क्यू, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखो आपके पास क्या बचा है, इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, कोई नीड नहीं है। ये आर स्क्वायर से आर कट रहा है, एक बार इसको वापस लिख लेते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर टू आर क्यू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन टू आर, यही बचा है। अब देखिए क्या कॉमन जा रहा है हमारे पास, ठीक है, तो Q अपॉन R हमारे पास कॉमन आ रहा है, सॉरी Q अपॉन या Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा वन अपॉन R, Q अपॉन ये यहां बच जाएगा मेरे पास R स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब, यहां बच जाएगा वन अपॉन टू आर, ठीक है। Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिया, अब देखो इसको और इसको एड कर लो, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर और वन अपॉन टू आर कितना होता है, वन अपॉन थ्री आर, टू आर और आर का एलसीएम लोगे कितना आएगा टू आर, यहां बचेगा टू, यहां बचेगा वन, ठीक है। इसी तरह से ये आर स्क्वायर और ये टू आर क्यू, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री अपॉन टू आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू। ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया है कहां पर आया है, इनसाइड, कहां पर आया है, इनसाइड आया है। एक काम और करना पड़ेगा, अभी देखो आपने आउटसाइड निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया, इनसाइड भी निकाल लिया, मगर मैंने अभी सेंटर पर नहीं निकाला, इस पर भी निकाल लेते हैं, हर जगह चेंज आ रहा है, यहां निकाल लिया, यहां निकाल लिया, यहां निकाल लेते। अब यहां बताओ सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है, सेंटर पर स्मॉल आर जीरो होती है, सेंटर पर डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो होगी। तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, वी एट सेंटर, ठीक है, वी एट सेंटर निकालने के लिए आपको आर को जीरो रखना होगा, तो वी एट सेंटर कितना आ रहा, देखो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड है ना, यही वाला केस यूज करेंगे इसमें, अंदर है थ्री अपॉन टू आर और अंदर वाले में स्मॉल आर जीरो होती है, तो ये अगर जीरो होगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जीरो, तो V एट द सेंटर कितना आया, Q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट थ्री अपॉन टू आर। इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं मैं, V एट सेंटर थ्री अपॉन टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर। किसी को कोई समस्या है क्या इसमें, किसी को कुछ भी है क्या, थ्री बाई टू को आगे लिखा है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर, बिल्कुल वो का वही लिखा है। एक बात अगर आपको दिख रही हो यहां पर थोड़ा सा नोटिस करो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये चीज क्या होती है, वी एट सरफेस होती है, नहीं होती है, वी एट सरफेस ये चीज होती, के क्यू बाई कैपिटल आर, तो वी एट सेंटर जो है दैट इज थ्री बाई टू
वी एट द सरफेस हुआ कि नहीं हुआ बताओ। अब इस इक्वेशन को देख के बताओ आप कि सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या मतलब सेंटर पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या सेंटर पर ज्यादा होगा, या यूं समझ लो सरफेस पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या सेंटर पर। मैं यूं कह रहा हूं यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा या यहां पर ज्यादा होगा। तो देखो यहां पर देखो 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5। जब 1.5 को वी सरफेस से मल्टीप्लाई कराओगे तब जाके वी एट सेंटर आएगा। तो वी एट सेंटर जो होता है ना वो वी सरफेस से क्या होता है ज्यादा होता है। कितना ज्यादा 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स, मतलब सरफेस के पोटेंशियल को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वी एट सेंटर आएगा। ठीक है, तो मैं सब आंसर को यहां वापस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। हमने जो भी पढ़ा है अभी तक वो सारा मैं यहां पे वापस लिख देता हूं क्या क्या हमने अभी कैलकुलेट किया। अब देखो मुझे बताओ V एट सेंटर कितना आया बताओ। सबसे पहले सेंटर से स्टार्ट करेंगे तो V एट सेंटर जो आया है वो आया है 3/2 V एट सरफेस। हा आया ना, पहला केस। V इनसाइड कितना आया है, V इनसाइड आया है मेरे पास क्यूब अपॉन 4πε0(R²)2R³। ये आया इनसाइड। तीसरा वाला केस V एट सरफेस क्या था बताओ, 1/4πε0(Q/R). और चौथा केस V आउटसाइड क्या था, 1/4πε0(Q/r). ये चारों केस हमने आप भी स्टडी किए हैं। क्लियर है क्या आपको पता है? तो ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सबसे मैक्सिमम। फिर ये आपका V यहां पर क्या रहता है कांस्टेंट रहेगा इस वाले केस में, यहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और यहां पर ग्राफ डाउन करेगा। देखो इनसाइड में कैसे आएगा, सबसे ज्यादा तो हो गया सेंटर पर, और जैसे जैसे आप बाहर आओगे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला क्वांटिटी बढ़ेगी, ये वाली क्वांटिटी जब इसमें से माइनस होगी तो वैल्यू डाउन होगी। तो जैसे हम सरफेस से सेंटर से सरफेस तक आएंगे तो ये क्या करेगी, ये भी आर पर डिपेंड कर रही है, क्या कर रही है आर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ना, ये मत सोचो कि सर आर न्यूमरेटर में आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये आर वाली जो क्वांटिटी है ये माइनस वाली क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू कम होती वी इनसाइड कम होगा, आर पर डिपेंड होता है। और आर बढ़ने पर इसमें भी वी क्या होता है डिक्रीज होता है अंदर भी। वापस देखो सबसे ज्यादा कहां हो गया सेंटर पर, सेंटर से सरफेस पे आओगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम होगा, सरफेस पे हो जाएगा कॉन्स्टेंट और सरफेस से बाहर जाते ही वापस डिक्रीज करेगा। इसको आप कॉपी कर लो, मैं आपको ग्राफ बना के बता देता हूं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। वन क्लियर है क्या, अच्छे से आना चाहिए चारों केस, आउटसाइड सरफेस इनसाइड एंड सेंटर पूरा करना है। एग्जाम के अंदर ये डायरेक्ट पूछ लेते कभी कभार, प्रूव वी सेंटर इक्वल टू 3/2 वी सरफेस, वहां हम समझ नहीं पाते क्या 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 पूछ रहा है, तो ये डेरिवेशन ही पूछता है वो। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब लास्ट हम ग्राफ को प्लॉट करना है। बहुत अच्छा इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ आपको डेरिवेशन के एंड में हमेशा बना के आना है। अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं करते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, कभी कभी 1 मार्क्स भी होता है ग्राफ का, तो ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है, हमेशा बनाना है। ठीक है, देखो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम ये। ठीक है, ये और सेंटर हो गया, ये रेडियस आर होगी, यहां पर स्मॉल आर जीरो है, यहां पर आर इक्वल टू कैपिटल आर है, यहां पर आर लेस देन आर है और यहां पर आर ग्रेटर देन आर है। ठीक है सर, ये कौन सा है, तो ये आपका हो गया सेंटर, ये हो गया आपके पास इनसाइड, ये हो गया आपके पास सरफेस और ये आपके पास हो गया आउटसाइड। कोई दिक्कत है क्या? और ये वाला जो एक्सिस है ये आपको डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस आर बता रहा है। ये वाला जो प्लॉट है ये आपको वी या पोटेंशियल बताएगा, क्या बताएगा ये आपको, क्या बताएगा वी बताएगा या फिर पोटेंशियल बताएगा। क्लियर है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको ग्राफ प्लॉट करना है सेंटर पर, है ना, तो सेंटर पर सबसे मैक्सिमम होता है, सेंटर वाला जो होता है वो सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है। तो ये हो गया वी एट सेंटर विच इज 3/2 वी ऑफ सरफेस। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वी एट सरफेस और ये आपका है, तो यहां पर देखो ग्राफ धीरे धीरे डाउन करेगा, क्या करेगा ये ग्राफ डाउन करेगा और ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो किस पे मिल जाएगा, वी एट सरफेस पर मिल जाएगा। सेंटर पर सबसे ज्यादा है,
धीरे धीरे आर बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा और सरफेस पर हो जाएगा कांस्टेंट। सरफेस पे क्या रहेगा, किसी भी कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग की सरफेस होती है, मतलब तो वो क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी नॉन कंडक्टर पढ़ रहे हैं तो अभी इसको नहीं देखेंगे, देखो ठीक है। ये हो जाएगा, ये सरफेस पर हो गया, ये वाला केस क्लियर है, मैक्सिमम कम होगा, ये कांस्टेंट हो गया सरफेस पर। अब देखो बाहर वाले केस में, जैसे ही आप सरफेस से बाहर जाओगे तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या करेगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल को कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है। रख के देख लो, यहां पर आर की वैल्यू को क्या रखो, इनफाइनाइट रखो, वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये इसका ग्राफ है, क्लियर है क्या, बिल्कुल इजी ग्राफ है। आपको ग्राफ बनाना सेंटर से स्टार्ट करना है, सेंटर से स्टार्ट करोगे मैक्सिमम यहां पे थोड़ा डिक्रीज करेगा सरफेस का, ठीक है। ये 3/2 वी सरफेस जो भी होता है, सपोज वी सरफेस से 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट, इतना गैप होता है इसमें, उसके बाद तो डिक्रीज करेगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब ग्राफ बनाओ तभी भी आपको ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर दिखाना है, ठीक है, अच्छे से लिखना है। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, 11th क्लास में पढ़ाई किया नहीं की वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वापस पढ़नी ही पड़ेगी आगे जाके, नहीं पढ़ा वो आपकी गलतियां हैं, मगर 12th में अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा पढ़ो फिर, ठीक है। कहीं से कोई कुछ भी क्वेश्चन आता है सारे आपसे हो जाना चाहिए। बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि सिलेबस कम होगा, सिलेबस कम होगा, सिलेबस कम होगा तो कुछ टॉपिक को माइनस करेंगे, पर वो टॉपिक आपको इन फ्यूचर तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, वो आपको उस वक्त कौन समझाएगा फिर, ठीक है। तो आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है, चैप्टर्स कम नहीं होने वाले हैं, कुछ टॉपिक माइनस होंगे, ऐसा नहीं होता कि पूरी ऑप्टिक्स गायब कर देंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गायब कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ टॉपिक जो होंगे मतलब कंटेंट कम होने वाला 30%, ठीक है। आरबीएसई के बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर सिलेबस क्या है, तो अभी अपना अपडेटेड सिलेबस नहीं आया है, सीबीएसई का आ गया है मगर आरबीएसई का अभी तक नहीं आया, जैसे आएगा मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो न्यू सिलेबस अवेलेबल करवा दूंगा। और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से कौन कौन से टॉपिक नहीं रहे हैं बोर्ड के लिए वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करवा देता हूं, ठीक है। देखो अभी जो हमने डेरिवेशन किया है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण, हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना देखा है आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, और वो सारे केसेस हमने स्टडी करे हैं, सेंटर से, सेंटर पर क्या होता है पोटेंशियल, इनसाइड कितना होता है, सरफेस पर कितना होता है और आउटसाइड कितना होता है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने अभी हाल फिलहाल के लिए लिख दिया है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जब तक आपको ये सॉल्यूशंस याद नहीं है तब तक आप इन डेरिवेशन पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है, आराम से पढ़ाई करो आप, ठीक है। देखो अब इसका मुझे सॉल्यूशन देखना है, क्या क्वेश्चन पूछा है, अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, ये रेडियस दे रखी है, उस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दे रखा है 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। और आपसे पूछा गया है पोटेंशियल किस किस डिस्टेंस पर, सबसे पहले आपको ये स्फीयर जो दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर पर। अब हमें एक 14 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल पूछा है 10 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, एक आपको पूछा है सेंटर से 14 सेंटीमीटर, ये आउटसाइड वाला केस हो गया, एक पूछा है 10 सेंटीमीटर कितने पर, तो ये सरफेस वाला केस हो गया, और ये हो गया इनसाइड वाला केस, है ना, 4 सेंटीमीटर मतलब अंदर आ जाएगा कि इनसाइड वाला केस। इन तीनों के लिए आपको पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। सबसे पहला वाला केस, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उस पर चलते हैं, 14 सेंटीमीटर मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए पोटेंशियल कितना होता है V आउटसाइड बताओ, पहले डिस्टेंस दे रखी है 14 सेंटीमीटर विच इज 10⁻²⁪ मीटर, ठीक है। V आउटसाइड कितना हो गया 1/4πε₀Q/r, आपकी वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁹, Q आपको दे रखा है 3.2 × 10⁻¹⁹ अपॉन आर कितना है हमारे पास 14 × 10⁻², ठीक है। अब कैलकुलेशन है आपको करनी है, यहां पर देखो 9 को 3.2 से करोगे तो 28.8 और 19 में से 9 जाएगा तो -10 बचेगा, ये 14 हो गया, और 10⁻²² को ऊपर भेजोगे +2 हो जाएगा, ठीक है। तो V आउटसाइड कितना बचा
28 में 14 का ओके तो 2.01 मान लो, ठीक है, इंटू 10^-8 आंसर आ जाएगा वोल्ट के अंदर। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? अच्छा सिंपल है बिल्कुल, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, डिवाइड करोगे तो 28 में 14 को डिवाइड करोगे तो 2. समथिंग जो भी आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, केस सेकंड देखो, केस सेकंड दूसरा जो केस दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10^-2 मीटर, तो ये तो सरफेस भी आ गया, 10 सेंटीमीटर तो रेडियस है, तो सरफेस वाला केस हो गया। तो वी एट सरफेस कितना होता है, 1/4π0Q/R, तो वी एट सरफेस कितना आ जाएगा, ये हो गया 9 × 10^9, क्यू आपको दे रखा है 3.2 × 10^-19, और कैपिटल आर क्या दे रखा है आपको बताओ, कैपिटल आर दे रखा है 10 × 10^-2, ठीक है। सरफेस वाला केस हो गया, 9 को 3.2 से 28.8, 19 में से 9 जाएगा -9, ये 10^-1 बचा, इसको ऊपर भेज देंगे तो 28.8 10^, ये प्लस में जाएगा तो -8 वोल्ट हो जाएगा। ये इस दूसरे का आंसर, इजी है ना। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़ा सा अलग से दिख रहा है। अब देखो आपसे पूछा गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब इनसाइड वाला केस, और इनसाइड के अंदर पोटेंशियल कितना होता है, तो V तीसरा वाला केस, V इनसाइड होता है दैट इज Q/4π0ln3/2R² सब कुछ आपके पास है। अब इसमें आपको जो स्मॉल r की वैल्यू दे रखी तीसरे वाले केस में, कहां पर पूछा गया है, स्मॉल r बराबर 4 × 10^-2 मीटर, कैपिटल r आपके पास ऑलरेडी है 10^-2 मीटर, क्लियर है। ये वैल्यू यहां पर रखो, v इनसाइड, q की वैल्यू कितनी बताओ, q की वैल्यू 3.2 × 10^-19, q की वैल्यू इसको ऐसा करते हैं, v इनसाइड 1/4π0ln की वैल्यू लास्ट में रख देंगे, चलो ठीक है, q अपॉन 1/4π0ln की वैल्यू 9 × 10^9, ये हो गया 1/4π0ln की वैल्यू, q की वैल्यू कितनी है तो 3.2 × 10^-19, ये हो गया 3। देखो एक काम करते हैं, इसमें से भी 2r बाहर आ रहा है, इसमें से भी 2r बाहर ले लो, 2r आप बाहर निकाल लो, यहां कितना बच गया बताओ, यहां बच गया सिर्फ 3 बच गया, यहां से r स्क्वायर बचा, 2r बाहर चला गया, तो यहां बच गया सिर्फ r स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। तो v इनसाइड 9 × 10^9 कर लेते हैं, देखो 9 को 3.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.8, 19 में से 9 जाएगा तो -10, यस ये बच गया 2, और कैपिटल r की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10 × 10^-2, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 3, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 4 × 10^-2 स्क्वायर, और कैपिटल r की कितनी है 10 × 10^-2 स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन है ना, इजी न्यूमेरिकल है तो आपको करना आना चाहिए। v इनसाइड कितना होगा, 28.8 × 10^-10 अपॉन 2, 10^ यहां पे -1 बचेगा, -1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 + 1 - 1 - 1 को ऊपर भेजोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 अपॉन ये हो जाएगा 4² = 16, 10^-2 ² - 4, 10² = 100, 10^-2 - 4, ये -4 से -4 कैंसिल, ठीक है। यहां कर देता हूं उसको मैं, देखो ठीक है, जितना भी होगा यहां कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बचा है हमारे पास, 28.8 / 2 ये हो जाएगा 14/4, 10^-9, ये काम खत्म, उधर बचा 3, अब ये हो गया 16/100, तो कितना हो गया 0.16, 16 में 100 को डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, ये 14.4 10^-9, 3 में से माइनस करो तो 2.84, और देखो ये कितना हो जाएगा 14.4 को 2.84 से, तो
है ना, लगभग आ जाएगा 4, ठीक है, 40 के नियर अबाउट आ जाएगा, 40 × 10⁻⁹ वोल्ट। क्लियर है क्या? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आपके पास ये है, सेकंड का आंसर ये है, और थर्ड का आंसर हमारे पास ये है। इस तरह के न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आपको डेरिवेशन का नॉलेज होगा अच्छे से, तब, और वो आपको याद भी होना चाहिए। डेरिवेशन को सोल्व करना अलग बात है और उनके सॉल्यूशन आपको याद रहने चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तब ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम में पहले डेरिवेशन करोगे और फिर इसको करोगे, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन क्या रहने चाहिए, याद रहने चाहिए, ठीक है। आज की क्लास हम यही एंड कर रहे हैं। अगली क्लास जो होगी वहां पर हम सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी और ग्रुप ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो देखेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये दोनों टॉपिक और कुछ न्यूमेरिकल बच गए हैं, तो मैक्सिमम तीन क्लासेस तो अब और होगी जिसमें आपके जो बचे हुए टॉपिक वो हो जाएंगे। और ये तीनों क्लासेस में आपको मंडे तक एनी हाउ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप वीडियोस को आराम से देखें, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। रेगुलर साथ साथ में पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।